नगर निगम भिलाई चरोदा के सभापति कृष्णा चंद्राकर ने बारिश को देखते हुए आम लोगों को जागरूक करते हुए सहयोग की अपेक्षा की। शहरी एवं ग्रामीण वार्डों में कई स्थानों पर लोगों ने नाली पर पसरा डालकर भवन निर्माण सामग्री रख दिया है। इसी वजह से नाली जाम हो गई है। बारिश में पानी की निकासी में दिक्कत की आशंका को देखते हुए निगम सभापति ने आम लोगों से कहा है कि जन परेशानियों को ध्यान में रखकर निगम को सहयोग करें और जल्द से जल्द नालियों के ऊपर से निर्माण सामग्री हटवा लें। उन्होंने ये भी बताया कि कुछ स्थानों पर पीएम आवास योजना के तहत हितग्राहियों को केंद्र सरकार द्वारा दी जाने वाली राशि विलंब से मिलने की वजह से निर्माण प्रभावित हो रहा है, जिसकी वजह से लोगों का भवन निर्माण सामग्री एवं मलबा रखा हुआ है। नाली के काम में बाधा आ रहा है थोड़ा से। कारण यह है कि पीएम आवास जो मोर मकान मोर जमीन के योजना जो चल रहा है, जिसमें छत्तीसगढ़ सरकार 40%, 60% केंद्र सरकार का 60% पैसा उतना जल्दी नहीं आ पा रहा है, जिसमें हम लोगों को दबाव नहीं डाल पा रहे हैं कि जो मकान बना रहे हैं गरीब लोग, तो उसके पास तो जगह नहीं है, तो वही रास्ते में नाली में कुछ फट्टा डाल के गिट्टी रेती ईंटा गिरवाते हैं। अब उसको हम लोग बोलते हैं कि इसको जितना जल्दी हो आप लोग उठाइए, तो बाधा वहाँ आता है कि उसका तीसरा किस्त दूसरा किस्त रुका रहता है। अब जब तक पैसा नहीं आएगा तो गरीब लोगों के पास तो पैसा है ही नहीं, तो वो लोग उसको उठाएंगे ठीक है, फिर गिराते हैं, फिर रुक जाता है। हम लोग निवेदन कर रहे हैं हमारे हितग्राहियों से कि आप लोग जल्दी उठाइए, क्योंकि बरसात आगे आ रहा है जिसमें हम लोग काम करवा सकें। जब तक उनका मटेरियल नहीं हटेगा तब तक निगम भी उसमें कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि आज सफाई भी कर देंगे तो उसमें फिर कल पानी गिरेगा, फिर वही नाली भर जाएगा। हम लोग इतना प्रयास, और केंद्र सरकार अगर जितना जल्दी पैसा दे तो हमारे छत्तीसगढ़ सीएम भूपेश सरकार तो तत्काल तैयार रहता है इस चीज़ को देने में। जैसा उसका पैसा आता है उसने 40% डाल के तत्काल पैसा देते हैं। तो ये जो बाधा आ रहा है ना, केंद्र से आ रहा है, इसमें गरीब भी फंसे हुए हैं, निगम के भी फंसे हुए हैं। हम आग्रह करते हैं हमारे हितग्राहियों से जितना जल्दी हो मटेरियल हटाएं, जिसमें हम बरसात को असुविधा होने से बचा सकें। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए शैलेंद्र खरे की रिपोर्ट।